दोस्तों जब से कपिल शर्मा के शो को डॉक्टर गुलाटी या फिर कहें गुत्थी ने छोड़ा था तो उसके बाद से दर्शकों की यह चाहत थी कि भाई इन दोनों किरदारों को निभाने वाले सुनील ग्रोवर वापसी कर ले कपिल शर्मा के शो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी हुई है कपिल शर्मा के शो के सबसे बेहतरीन कलाकारों में से एक यानी कि सुनील ग्रोवर से। तो दोस्तों आज बॉलीवुड लाइव की तरफ से एक ऐसी जानकारी सामने आई है जिसको सुनने के बाद हम ये कह सकते हैं कि दर्शकों की चाहत बहुत जल्दी ही पूरी होने वाली है, यानी कि भैया सुनील ग्रोवर की वापसी हो सकती है कपिल शर्मा के शो में। यानी कि ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा उसके साथ ही सुनील ग्रोवर की वापसी इस शो में हो जाएगी। आपको तो याद ही होगा कि भैया इन दोनों के बीच में हुए विवाद की वजह से सुनील ग्रोवर ने अपने डिग्निटी को ध्यान में रखते हुए इस शो को छोड़ दिया था। बीच में जब सलमान खान की फिल्म यानी कि भारत को सुनील ग्रोवर कर रहे थे तो उस वक्त ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद इस शो में सुनील की वापसी हो जाए, क्योंकि इन दिनों कपिल शर्मा के शो को सलमान खान ही प्रोड्यूस कर रहे हैं और उन्होंने सुनील से यह बात कही भी थी कि भाई आप इस शो में वापस आ जाए क्योंकि आपके बिना यह शो अधूरा है। लेकिन उस वक्त भी सुनील ग्रोवर अपने फैसले पर अडिग रहे और वो इस शो में वापस नहीं आए। लेकिन अब जो खबरें निकल के आ रही है कि भाई वापसी हो सकती है सुनील की, यानी कि कपिल के साथ में जबरदस्त धमाका करते नजर आएंगे कपिल के शो में सुनील ग्रोवर। तो क्या कहीं इसके पीछे सलमान खान है? क्या सलमान खान की बात को मानकर सुनील ने यह बड़ा फैसला लिया या फिर कपिल ने मना लिया सुनील ग्रोवर को? ये तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। यानी कि जो खबर इन दिनों सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है सुनील ग्रोवर को लेकर कि वो वापसी करने वाले हैं कपिल के शो में, तो ये तो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। लेकिन आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि क्या आप चाहते हैं कि डॉक्टर गुलाटी या फिर कहें गुत्थी की वापसी हो जाए इस शो में। अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वायरल इंजेक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।